Subscribe my channel and press bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं सत्यम त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम टेक्निकल त्यागी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं कैविटेशन के बारे में। कैविटेशन एक बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन अगर कैविटेशन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कैविटेशन बहुत ही आसान और सिंपल चीज़ है जो आपको पढ़नी जरूरी होती है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 6 वेपर प्रेशर नहीं देखा तो उसे जाके देखें, क्योंकि कैविटेशन आपको वेपर प्रेशर के बिना समझ में नहीं आएगा। तो ये जरा कैविटेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैविटेशन पहले हम इसे वर्ड से डिनोट करेंगे, वर्ड से समझेंगे कैविटेशन होता क्या है। तो कैविटेशन मतलब कैविटी का होना इज नोन एज कैविटेशन। कैविटी क्या होती है? जैसे आपने कोलगेट के एड में देखा होगा या पेप्सोडेंट के एड में भी देखा होगा कि इसके दांतों में ऐसा मीठा खाने से कैविटी हो जाएगी। तो कैविटी होती क्या है? कैविटी मतलब होता है कोई होलो स्पेस। अगर कहीं पर होलो स्पेस ऑब्टेन हो जाता है तो उस जगह को बोलते हैं कैविटी। तो कैविटेशन का यानी कैविटी का बनना, यानी उस होलो स्पेस का बनना जो होता है कैविटेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिसिस यानी वाटर। तो वाटर में अगर कैविटी होलो जगह बन रही है तो उसे बोलते हैं कैविटेशन। अब जरा समझते हैं कैसे। मुझे उम्मीद है आपने मेरी पिछली वीडियो वेपर प्रेशर देखी होगी। तो वेपर प्रेशर का इसमें यूज होता है, ये हमारा पाइप है, ठीक। ये पाइप हमारा मुड़ रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, मजे में एंजॉय कर रहा है। इसमें हमारा ये वाटर है, ये हमारा वाटर फिल हो रहा है। क्या फिल हो रहा? वाटर। ये हमारा वाटर फिल हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे इसकी शेप चेंज हो रही है या जहां से मुड़ रहा है, जैसे आप अपने घर के पाइप ले लीजिए, वैसे आप खींच रहे हैं, कहीं से मुड़ रहा है, गांठ पड़ रही है या ज्यादा खींच रहा है, तो अलग अलग एरिया पे बेंड होने की वजह से इसका जो प्रेशर है वाटर का प्रेशर कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ऐसा होता है। तो इस कारण क्या होता है, अगर लिक्विड का प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम या बराबर हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन या इक्वल टू, इफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लेस देन और इक्वल टू द वेपर प्रेशर, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? जैसे हमने वेपर प्रेशर में बताया था, एवेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एवेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या, भाप बनने लग जाएंगे। अब ये पाइप क्लोज है, हमारा पाइप उसमें पानी जा रहा, हमने समझ से चला रखा तो वो पाइप क्लोज है, इसमें भाप बन के क्या करेंगे, ये एक बबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? छोटे छोटे बबल्स बना लेंगे। ये हमारे क्या, ये हमारे बबल्स, बुलबुले। और इन बुलबुलों का, इन बबल्स का जो प्रेशर है, ईवी से शो करेंगे, यानी प्रेशर ऑफ बबल्स। तो प्रेशर ऑफ बबल्स ज्यादा रहता है प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर। बबल सभी क्रैक होंगे जब हमारा एटमोस्फेयर का प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। जितने छोटे बबल्स होंगे उसमें उतना ज्यादा एटमोस्फेयर का प्रेशर रहेगा। जैसे कि ये हमारा बबल है, एक ये बबल है, दोनों बबल है, दोनों में प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ बबल्स मोर रहेगा एटमोस्फेयरिक प्रेशर से जब भी बबल फॉर्म है। लेकिन इसमें इसके मुकाबले यानी ए में बी के मुकाबले कम प्रेशर होगा। जितने छोटे बबल होंगे उसमें उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो अब इस पर ध्यान देते हैं, ये हमारा पाइप है, ये हमारे बबल्स बन गए। अब ये पानी हमारा फ्लो हो रहा है, हमने पाइप चला रखा है, पानी आगे जा रहा है। अब जैसे बबल्स आगे जाएंगे, यहाँ हमारा क्या था, प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारे बबल्स बन गए। अब जैसे प्रेशर आगे जाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इनका प्रेशर ज्यादा था यहाँ से, जैसे लिक्विड का प्रेशर यहाँ कम है। अब जब लिक्विड का प्रेशर यहाँ पहुंचा, ये बबल्स के प्रेशर के बराबर आ गया, तो बबल्स फूट जाएंगे। जैसे बबल्स फूटेंगे, जैसे पानी भरा था, तो यहाँ बबल्स से ये स्पेस क्या हो जाएगा, खाली।
क्योंकि बबल्स क्या था, एयर। जैसे ही स्पेस खाली होएगा तो एकदम थट से फूटेंगे, बड़ी तेज एक्सप्लोजन होएगी, जैसे बम फूट रहा हूँ, लेकिन ये बबल्स है तो हमें महसूस नहीं देता। तो ये फूटेंगे तो यहाँ पर हल्का सा क्रैक आ जाएगा, फिर यहाँ से पानी पीछे से प्रेशर से आएगा तो ऐसा होएगा। अब जहाँ हमने मान लो पानी चलाया पाइप में एक घंटा, एक घंटे में हमारे पाइप की स्ट्रेंथ है 16 मेगा पास्कल, हमारे पाइप की स्ट्रेंथ है। एक दिन में बबल्स फूटने से जो इसमें क्रैक आई, डिफॉर्मेशन आया, जो इसकी स्ट्रेंथनेस वीक हुई है ड्यू टू बबल्स, एक घंटे में वो हुई है 10 मेगा पास्कल। ठीक, इतनी हुई है। अब रोजाना हम पानी चला रहे हैं तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा और 10 कर दिया 1 मेगा पास्कल, वैसे बहुत कम होती है मामूली। तो क्या होगा, यहाँ से पाइप हमारा क्रैक हो जाएगा, फूट जाएगा और यहाँ से हमारा पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये होती है हमारी कैविटेशन। अब इसके जरा एक बार डेफिनेशन समझते हैं और जो वर्ड है बुक में उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैविटेशन को आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। अब जरा कैविटेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन आएगी, इफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसका प्रेशर, लिक्विड का, इफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लेस देन वेपर प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, लेस देन वेपर प्रेशर, देन बबल्स आर फॉर्म, बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, द बबल्स आर फॉर्म, दे बबल्स स्ट्राइक या कोलाइड, भिड़ेंगे या टकराएंगे, दे बबल्स स्ट्राइक या कोलाइड ऑन द सरफेस ऑफ पाइप एंड द मटेरियल या मेटल गेट्स इरोड। A small cavity is formed. This cavity is known as cavitation. समझते हैं इस चीज को क्या है। ये हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन क्या है अब जरा समझते हैं। जब लिक्विड का प्रेशर, जिन जिन वर्डों को मैं कर रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखिए, जब लिक्विड का प्रेशर कम हो जाता है वेपर प्रेशर से तब बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये बबल्स स्ट्राइक करते हैं या टकराते हैं किससे, सरफेस ऑफ पाइप, पाइप की सतह से जब टकराते हैं तो मटेरियल जो है हमारा वो इरोड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टूटना होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से स्मॉल कैविटी बनती है और उस कैविटी को हम कैविटेशन कहते हैं। कैविटी क्या बताया था, एक स्मॉल ओपनिंग, कैविटी मतलब स्मॉल ओपनिंग। जैसे कि आप देखते हैं आपने पाइप लिया, उस पाइप को आपने मोड़ तोड़ के रख दिया, उससे डिस्टॉर्शन आ जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपने पाइप में घुमा घुमा कर रखा है या पीछे आगे से खींच रहे हैं, आगे से इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, फिर पीछे से प्रेशर डाउन हो जाएगा, फिर उसमें बबल निकलता है, आप देखते हैं आप पानी चलाते हैं तो पाइप में से एयर जा रही होती है, वो बबल्स हैं वो इकट्ठे जा रहे हैं, तो जब वो टकराते हैं किसी चीज़ से तो उसकी वजह से मटेरियल को इरोड कर देते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल धीरे 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 टूटना स्टार्ट हो जाता है और उसे बोलते हैं कैविटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि कैविटेशन की जो डेफिनेशन मिलेंगी वो अलग अलग मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी। सबका कॉन्सेप्ट क्या है, वेपर प्रेशर लेस देन होता है लिक्विड और प्रेशर, लिक्विड के प्रेशर से। तो आपको एमसीक्यू में, एसएससी में, गेट में, टेक्निकल का कोई एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें हर जगह मिलता है कैविटेशन होने के लिए वेपर प्रेशर से, प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होना चाहिए, कम ज़्यादा कॉन्स्टेंट बड़ा हुआ कैसा होना चाहिए, एटमोसफेयर से कैसा होना चाहिए, और कोरोजन कब होती है, इरोड कैसे होता है, कैविटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मिलेंगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वेपर प्रेशर नहीं समझा तो आपको कैविटेशन नहीं समझ में आएगा वेपर प्रेशर क्या होता है। तो जाके लेक्चर नंबर 6 देखिए, लेक्चर नंबर 7
तो ये हो गया कैविटेशन। अब हम देखते हैं छोटी सी और चीज कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था आइडियल फ्लूड है, आइडियल फ्लूड की एक क्लासिफिकेशन, एक पॉइंट क्या था कि इनकंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, रियल फ्लूड ऐसे नहीं होते, रियल फ्लूड कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कंप्रेस किया जा सकता है। तो फिर हम जरा एक बार रियल फ्लूड के बारे में बोले तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी आखिरकार होती क्या है। कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी क्या ये एबिलिटी है यानी कि क्षमता, कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू चेंज इट्स वॉल्यूम अंडर प्रेशर। यानी मतलब क्या इस चीज का, यानी कंप्रेसिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी क्षमता होती है वॉल्यूम को चेंज करना प्रेशर में। जैसे कि नाम से समझ में आया कंप्रेसिबिलिटी, ये दो वर्ड है, कौन कौन से, पहला वर्ड है हमारा कंप्रेस और दूसरा वर्ड है एबिलिटी। तो यानी कंप्रेस करने की क्षमता को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। किसे कंप्रेस करा जाए, वॉल्यूम को कंप्रेस करा जाता है प्रेशर में, टू कंप्रेस या चेंज कंप्रेस इट्स वॉल्यूम अंडर प्रेशर। और दूसरी चीज इसके वो डेफिनेशन होती है कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम समझें कंप्रेसिबिलिटी का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये एक हमारा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कोई फ्लूड भरा हुआ है, पानी जैसे मान लीजिए कोई फ्लूड भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, और हमारी पिस्टन है, इस पिस्टन को प्रेशर लगाया जा रहा है, थोड़ा स्मॉल अमाउंट में प्रेशर लगाया जा रहा है। ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, जब तक हमने प्रेशर नहीं लगाया ये वॉल्यूम था हमारा वी। जब हमने ऊपर से कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रेशर लगाया तो हमारी पिस्टन नीचे आ गई, पिस्टन मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो कितने नीचे आई डेल वी, यानी कि स्मॉल वॉल्यूम हमारा क्या हुआ डिक्रीज हो गया। तो फिर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है हमारा डेल वी, और ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था हमारा वी। ठीक, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारा प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारा प्रेशर कितना डेल पी, छोटा प्रेशर लग रहा है स्मॉल अमाउंट में, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, ये रहा कितना है डी वी ओवर वी। बल्क मॉडुलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी ड्रॉ करते हैं इसे कैसे, तो के बराबर हो जाएगा हमारा वी डी पी ओवर डी वी के, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया बल्क मॉडुलस का। और जहाँ हमें कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला निकालना होगा तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस के। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक तो कैविटेशन के बारे में और दूसरा पढ़ा हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में जरूर आई होगी। कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आए तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। अगली वीडियो हम लेक्चर नंबर 8 लाएंगे, उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक प्रेशर, ये हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर 2 स्टैटिक प्रेशर पढ़ेंगे हम इसमें, यानी प्रेशर क्या होता है, स्टैटिक प्रेशर क्या होता है,
और जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में और 5 में एक बात बताई थी पास्कल लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। जब हम फ्लूइड पढ़ते हैं, अगर हमने ये लॉ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। जैसे हमारा न्यूटन्स का लॉ होता है ग्रेविटी में, ऐसे हमारे फ्लूइड में होता है पास्कल लॉ। तो फिर पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, इसे ड्राइव करेंगे। ये अच्छा अच्छा को समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अपना साथ